नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं ऐसा हमने सिर्फ हॉलीवुड फिल्में में ही होते हुए देखा है। पर इसमें अंतर यही है कि हॉलीवुड मूवी के अंतिम परिणाम का हमें अंदाजा होता है, आज के हालात का अनुमान लगाने की स्थिति में हम नहीं है। क्या होगा, कितने रहेंगे, कितने जाएंगे, वे कौन भाग्यशाली होंगे जो इस विपदा की कहानी आने वाली जनरेशन को सुनाने के लिए जीवित बच पाएंगे, इसका आकलन फिलहाल कोई नहीं कर सकता है। 6 महाद्वीपों के 199 देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 125 देशों में मौतें हो चुकी है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, खाड़ी देश, साउथ एशिया, यूरोप, यानी दुनिया के ये चंद देश ही नहीं, पूरी दुनिया ही घुटनों पर है। वह भी एक ऐसे वायरस के सामने जिसका इलाज पृथ्वी की सीमाओं को लांघने वाला मनुष्य नहीं खोज पाया है। इसका मतलब यही है कि प्रकृति से मानव कभी नहीं जीत सकता। बेशक मानव सभ्यता कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, दुनिया में 7.5 लाख के लगभग मामले सामने आ चुके हैं, 34,000 के लगभग मौत हुई है। खुद को विकसित कहने वाले यूरोप में 50% मामले हैं, जबकि एशिया में अमेरिका से 10,000 केस कम हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 7 यूरोप और 2 एशिया के देश हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 7.5 लाख के मामलों में 36,500 ऐसे केस हैं जिनका बचना मुश्किल है। पूरे एशिया में 1.5 लाख केस हैं, जबकि अकेले अमेरिका में इससे भी 10,000 ज्यादा मामले हैं। यूरोप के 56 देशों में 4.25 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यह दुनिया का कुल 50% है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 7 यूरोप के ही हैं। एशिया में इस रोग के 2.25 लाख केस आए हैं, जिसमें से 6,500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसमें तकरीबन 50% केस और मौतें चीन में हुई है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, यहां अब तक 9,000 से ज्यादा मामले आए हैं। इजराइल तीसरे नंबर का देश है। इन सभी मुल्कों में सबसे संतोषजनक स्थिति में केवल भारत है, जहां केवल 1600 मामले सामने आए हैं। भारत में यह वायरस ज्यादा तेजी से नहीं फैल पाया है, जबकि विकसित देशों और अन्य मुल्कों में इतने समय में 8,000 लोग संक्रमित हो गए थे। यह आंकड़े बहुत कम रह सकते थे अगर यहाँ के विशेष वर्ग ने अपनी मानसिकता को चेंज कर दिया होता। कल दिल्ली निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज ने पूरे देश को सहमा दिया है। यहाँ 1700 टोपीबाज तैमन चढ़ाकर भागते दिखाई दिए। इन लोगों की वजह से देश बड़ी मुश्किल में आ सकता है। इन लोगों ने विदेशी मुल्लाओं को मदरसों और मस्जिदों में छिपाकर रखा हुआ है। इसकी आशंका पहले भी व्यक्त की जा चुकी है, मगर सरकार ने इन पर कार्रवाई करने से हाथ खींचे, जिसकी कीमत अब बहुसंख्यक तबके को चुकानी पड़ सकती है। बताया जाता है कि यह लोग 2 मार्च से ही यहां पर छुपे हुए थे, जिनमें से बहुत से लोग देश की अनेक मस्जिदों में जमातें लेकर गए हैं। इनमें लगभग 16 देशों के मुल्ला हैं, जिसमें वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन, मलेशिया, तुर्की, ब्रिटेन से आए लोग भी शामिल थे। अभी तक की जांच में 36 मुल्ला पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ मुल्ला फरार होने में कामयाब भी रहे हैं, जो अपने आप में एक परमाणु बम बने घूम रहे हैं। कल तेलंगाना में 6, जम्मू कश्मीर में 1 और दिल्ली में जिसे एक मरीज की मौत हुई थी, वे भी इस तबलीगी जमात के संपर्क में आए थे। यानी देश विदेश के ये मुल्ला अब एक नई तरह की जिहाद कर रहे हैं। मतलब ये खुद तो खुदा गन जाएंगे ही, साथ में औरों के रिजर्वेशन की तैयारी भी कर चुके हैं। यह एक तरह से शाहीनबाग का ही दूसरा चेहरा है, जहां धर्म के प्रचार की आड़ में देश में महामारी का प्रसार कर दिया गया है। हालांकि सरकार उन तैमंदबाजों की तलाश कर रही है जो इनके संपर्क में आए थे, मगर ये गवारू लोग इस रोग को एक से दूसरे में फैला चुके हैं। अब इनके संपर्क में आए टोपीबाज कितने मुल्लों को यह प्रसाद बांटेंगे, उसका आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि बेमतलब में तशरीफ पटकने का इनका स्वभाव स्थिति की भयावहता का एहसास जरूर कराता है। आपसे फिर निवेदन है कि इनसे कम से कम 500 मीटर दूर रहे, वरना हुरों के चक्कर में आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।